स्कूटर से मैं वो गया मस्जिद के पास से गया स्पीड में भागा लेकिन देखो अभी आएगा पता भी चलेगा किधर से आया फुटिए रोके किधर आएगा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नाज़रीन वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। आज हम आए हैं दरगाह शरीफ पर सैयद गौर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान पर हम बैठे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली यहाँ पर हमारा रिविजिट है ये, इससे पहले भी हम आ चुके हैं यहाँ का दरगाह शरीफ का व्लॉग बना चुके हैं, तो अगर आपको देखना है पिछला वाला व्लॉग तो ऊपर लिंक आ जाएगी इंशाल्लाह आपको, तो देख लीजिएगा। एक्चुअली यहाँ पे हमारे अली भाई जो यहाँ के खादी मैंने खिदमत गुजारे हैं यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी खिदमतें करते हैं, बता भी रहे थे कहते कहते माशाल्लाह। इन्होंने अभी रिनोवेशन वगैरह यहाँ का लोगों ने करवाया है, यहाँ पे एक नई मस्जिद भी बनाई है माशाल्लाह। तो इन्होंने हमें इन्वाइट किया कि आइए आप दोबारा एक बार आइए। उस टाइम जब हम आए थे तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, मतलब चल रहा था, कंप्लीट नहीं हो पाया था काम। तो इस बार जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ मस्जिद बनाई गई, बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बाकी सब काम भी मतलब पूरा हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सब दिखाएंगे माशाल्लाह, सब ज़ियारत कराएंगे। पहले आप अली भाई की ज़ियारत कर लीजिए माशाल्लाह, इन्होंने हमें इन्वाइट किया। अस्सलाम वालेकुम। तो इन्होंने कहा था कि भाई आप एक बार आइए, पहले आप माशाल्लाह आ चुके हैं और पहली बार हमने यहाँ पर आए थे ना तो हमने मोबाइल से वीडियो बनाया था, अब जो है हम कैमरे से बना रहे हैं माशाल्लाह, तो क्वालिटी अच्छी होगी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चले आपको ज़ियारत कराते हैं। उससे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत सीख लेते हैं, एक सुन लेते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है कि जो बंदा ये चाहता हो कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उससे इस हाल में मिले कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हो, यानी वो बंदा चाहता हो कि अल्लाह ताला उससे इस हाल में मिले कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हो, तो उसे चाहिए कि दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करे। सुभान अल्लाह। तो और बताइए आपको क्या चाहिए, यानी कि इसमें बशारत दी जा रही है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा अगर आप जो है दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ेंगे। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सिर्फ इतना। ये भी दुरूद शरीफ है, तो कम से कम ट्राई करेंगे 313 मरतबा दुरूद शरीफ जो हम रोज़ाना पढ़ लें, 10 से 15 मिनट इंशाल्लाह तब आपको लगेंगे। तो उम्मीद है आप जो है इसकी नियत कर लेंगे। तो अब जो है आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारा वीडियो में ऐसे ही होता है कि हम जब वीडियो शुरू करते हैं दुरूद शरीफ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, जब तक ख़त्म होगा इंशाल्लाह वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके 313 मरतबा दुरूद शरीफ पूरे हो जाएंगे। तो आइए चल अब बिना देरी की आपको जो है हम ज़ियारत करवाते हैं पूरी दरगाह शरीफ की। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद या नबी जमी नो जमा तुम्हारे लिए मकी नो मका तुम्हारे लिए जमी नो जमा तुम्हारे लिए मकी नो मका तुम्हारे दिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जागा तुम्हारे लिए या नबी दाहन में जबा तुम्हारे लिए बदन में गजा तुम्हारे लिए दाहन में जबा तुम्हारे लिए बदन में गजा तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी पागा बस तुम्हारे लिए या नबी इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुल को फेर दिया इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुल को फेर दिया गए हुए दिल को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए या नबी
या नबी सबा वो चले के बाग भले वो फूल खिले के दिन हो भले सबा वो चले के बाग भले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जबा तुम्हारे लिए या नबी जमीन मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता मोहब्बत कम वाले की वो जज्बा है सुनो लोगों मोहब्बत कम वाले की वो जज्बा है सुनो ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह नादरीन आपने ज़ियारत की माशाअल्लाह अज़्ज़ल हज़रत सैयद गौर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मदार शरीफ की मैंने भी ज़ियारत की अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे साथ जो है साथ में मौजूद हैं दरगाह शरीफ के खादिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह। तो अब जो है इनके बारे में जो डिटेल है पूरी इनके कहाँ से तशरीफ लाए मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह ये दे पाएंगे ये देने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना ताकीर किए मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ हमारे खादिम साहब को जो माशाअल्लाह काफ़ी बहुत बेहतरीन अंदाज से खिदमत कर रहे हैं इस दरगाह की। वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। नाज़रीन मैं फ़कीर मुदस्सिर रज़ा और हमारे साथ हमारे अली भाई यहाँ पर गालिबा मैं 4 साल से खिदमत कर रहा हूँ। वैसे मेरी ज़्यारत अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल की उम्र से होती है। हमने सरकार के रोज़े को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नज़दीकी से देखा है कहाँ से कहाँ सरकार की करामतें ज़ाहिर हुई और कहाँ से कहाँ आपका रोज़ा बुलंद हुआ और कहाँ से कहाँ आपका नसब शजर और आपकी ज़्यारत गाहें कबूल होती गई। नाज़रीन पहली बात तो यह है कि हज़रत हुज़ूर सरकार का नाम है इसमें ग्रामी हज़रत सैयद गौहर शाह बाबा और आपकी बेटी भी फातिमा रहमतुल्लाह अलैह है दो मज़ारिकुल अनवार है और बाकायदा ये तीनों तरफ से जंगल है और एक तरफ सिर्फ शहर का कुछ हिस्सा दिखता है। तो ये वो सरकार की ज़ात है जिन्हें दुनियादारी लोगों का हुजूम तशद्दुद आवाज़ शोर शराबा दुनियादारी रियाकारी दिखावा इन्हें पसंद नहीं था। तो इन्होंने अपने रब की इबादत के लिए एक ख़ास जंगल को मुकर्रर किया और फ़ज़ कुरूनी अज़कुरुकुम के मिज़दाक़ कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा
ज़िंदगी भर इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अतात की, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की, और अपनी आखिरी सांसें भी इन्होंने जंगल में ही छोड़ा। और आपकी गालिबन मिस्ताक 400 साल पुरानी मज़ार है, और गालिबन 400 साल पुरानी मज़ार है, यहाँ तक कि फिक्स कन्फर्म नहीं है कि 400 साल पुरानी मज़ार है या उससे कुछ कम है या उससे कुछ ज़्यादा जी। बशर्ते कि लोगों ने एक आज़माया है कि वहाँ पे जो पत्थर थी, जो पत्थर पे सरकार का नाम लिखा था, वो पत्थर किस कदर पुराना पत्थर जी। वो पत्थर इस कदर ज़माने में, आज के ज़माने में वो पत्थर मिलना भी मुनासिब नहीं। वो पत्थर आज भी सरकार की बारगाह की दीवार में चिन दिया गया है कि उस निशाने को मिटाया गया नहीं है। उस पत्थर में सरकार का नाम लिखा था, और ये मज़ार बहुत पुरानी मज़ार है। और बहुत शाला रहमतुल्लाह अलैहि, आपकी बेटी फातिमा रहमतुल्लाह अलैहि की यहाँ पे मज़ार मुक़द्दस है काफ़ी अरसों से, और उनके ज़ेरे साए करम आम का दरख्त भी काफ़ी मशहूर है जो आपके मज़ार तुर्बत से लगा हुआ था, जब कच्ची मज़ार थी, फिर धीरे धीरे उसे अलग किया गया और अभी हटके है। और ऐसी तो बहुत सारी करामतें ज़ाहिर हैं कि सरकार की बारगाह में जिनकी भी मन्नत मुरादें होती है, 5 जुमरात, 7 जुमरात, 3 जुमरात, जो भी इनकी तमन्नाएँ होती है, सरकार गौश रहमतुल्लाह अलैह अपने रब की बारगाह में फरियाद पेश करके उनकी आर्जी मन्नत मुरादों को पूरी कर देते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। एक करामत जो मेरे साथ जाहिर हुआ है वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। ये आपके साथ पर्सनली हुआ है? पर्सनल मेरे साथ हुआ है, माशाल्लाह। मैंने देखा है जब मैंने दरबार बंद कर रहा था, और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में दरबार बंद करने के टाइम पर सिर्फ अकेला में ही रहता हूँ, पूरे दरबार में कोई नहीं रहता है। तो बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, और दरबार बंद करने का समय था 9:30 बजे का करीब, 9:30 बजे से कुछ 5 मिनट पहले की बात है। तो मैं सारी लाइटें बंद करता हूँ पहले, फिर दरबार बंद करता हूँ। तो मैं बाहर की सारी लाइट, मैंने झाड़ू मारा अंदर, सफाई की सारे के जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चूटियाँ थी सबको समेट दिया। और उसके बाद जब बाहर की मैंने लाइट बंद करने गई, और फिर जब अंदर का दरवाज़ा बंद किया और ग्रीन लाइट चालू की, तो देखा कि मैंने 1 मिनट के अरसे में जो बड़ी बड़ी चूटी होती, काली चूटी, हज़ारों की तादाद में चारों तरफ इर्द गिर्द तवाफ़ करने लगे। माशाल्लाह। तो मैं देख के दंग रह गया, हैरान रह गया, और मैं फ़ौरन सरकार का दरवाज़ा बंद किया और अपने पाँव को बचाते कि कहीं एक मेरे पाँव पे कहीं एक चूटी मेरे पाँव से ना दब जाए और मैं इसका गुनाहगार ना हो जाऊँ। तो मैं अपने पाँव को दबाते दबाते साइड से बाहर निकला, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह के इंसान तो इंसान, जानवर भी अदब जानते हैं, और ये अल्लाह की। माशाल्लाह। इसीलिए कहा कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ार की तकदीर देखी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने करामत सुनी सैयद गौर शाह बाबा की, और भी इनके बारे में, मतलब हमारे अली भाई बता रहे थे कि एक इन्होंने खुद अपने आँख से देखा था, एक पेशेंट था जिसको नली वगैरह लगी हुई थी, तो इस हालत में यहाँ आया था, उसको नली वगैरह लगी हुई थी, यानी वो उठने की तो हालत थी नहीं उसकी, बिल्कुल एकदम बिस्तर मर्ग पे था वो। तो वो यहाँ पर आया, उसको 4-5 दिन यहाँ पर रहा, 4-5 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहे थे कि ऐसे उसके अंदर बोलते ना, इतनी जल्दी उसकी तबीयत ठीक हुई कि 4th दिन गालिबन बता रहे थे कि वो खुद अपने पैरों से जो है उठ के यहाँ से, यानी चल कर जो है दरगाह शरीफ से माशाल्लाह वापस गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए औलिया इकराम की करामत होती है, वो करम फरमाते हैं। उसके अलावा इससे पहले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने ये बताया था कि यहाँ पे जो है, मतलब ये एक नोन है कि यहाँ पे जो शेर वगैरह, शेर है, तेंदुआ है, चीता वगैरह आते रहते हैं। तो अभी 2 हफ्ते पहले का ये बता रहे थे कि वीडियो भी आया है, बट उसमें क्लियरिटी शायद इतनी खास नहीं है, तो पूरे अंधेरे में जो है उसका वीडियो तेंदुआ, अगर वो मुझे वीडियो मिल जाता है, ये बोल रहे हैं कि ये निकाल के देंगे, निकलवा के देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो वो देंगे इंशाल्लाह, तो वो भी मैं डाल दूंगा ताकि आप भी ज़्यादा कर पाएंगे उसकी, कि माशाल्लाह कैसे औलिया इकराम की बारगाह में जो है ना, मतलब ऐसे ऐसे जो जिससे इंसान खौफ खाते हैं, वैसे जानवर भी माशाल्लाह ले आते हैं और हाज़िरी देते हैं। तो आइए आप चलते हैं हम वीडियो को एंड करने की तरफ, एक नमाज की फजीलत सुनते हैं, नमाज के लिए वही सुनते हैं जो बेनमाजी होगा। इसमें हदीसे पाक में आता है कि जो बेनमाजी होगा, यानी जो एक वक्त की नमाज़ कदा करता है, तो अल्लाह ताला उसका नाम जो है जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है, नसब कर दिया जाता है, जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर, यानी जहन्नम जो है उसके लिए कन्फर्मेशन हो जाता है कि वो जहन्नम में दाखिल होगा, माज अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को नमाज़ कदा करने से बचाए। तो आइए आप कुछ सीख लेते, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा जो है अपने वीडियोज़ में, ब्लॉग्स में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो आज हम सीखेंगे
कुछ सीखेंगे नहीं। मतलब मैं एक आप लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमें ये सिखाया जाता है हमेशा से कि हम जो है अपने लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से साथ साथ में जो है ना अपने दीगर मुसलमानों के लिए भी दुआ करते हैं, या कोई हम पर कोई एहसान करता है तो हम उसे जज़ाकअल्लाह भी कहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि ना इसमें ना एक दुआ ऐड कर लिया करें कि अल्लाह ताला तुम्हें आफियत में रखे, यानी आपको जो है आफियत अता फरमाए, इस तरीके की दुआ ज़रूर कर लिया करें। अब इस दुआ का फ़ायदा क्या है? आफियत जो है, अब आफियत में हम ये नियत कर लेंगे, जब हम ये दुआ कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला आपको आफियत में रखे या आफियत अता फरमाए, इसमें हम ये नियत करें कि अल्लाह ताला आपको गुनाहों से भी आफियत अता फरमाए, हलाल रोज़गार में जो भी मसाइल आने वाले हैं उससे भी हमारी हिफाजत फरमाए, यानी आफियत अता फरमाए। उसके अलावा जो भी बीमारियाँ हैं उनसे हमें आफियत अता फरमाए, यानी जिसको दुआ करते हैं उसको गुनाहों से आफियत अता फरमाए, जालिम के जुल्म से और हासिदीन के हसद से आफियत अता फरमाए, और हलाल रोज़गार में जो भी मसाइल आने वाले हैं उससे आफियत अता फरमाए। तो ये सब हम नियतें कर सकते हैं। आफियत मतलब एक वर्ड छोटा सा है, मगर अगर हम ये नियत करके इंशाल्लाह उसको दुआ देंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह वजल इसके फ़ज़ाइल हमें भी इंशाल्लाह हासिल होंगे। तो हमें चाहिए कि जब भी दुआ करें जज़ाकअल्लाह भी कहें और जज़ाकअल्लाह के साथ में ये भी कहें कि अल्लाह ताला आपको आफियत अता फरमाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप जो है अब से आफियत की दुआ भी सबके लिए किया करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह तो अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।